गांव में। उतना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे तीसरे टर्म में गांव की वो जो गरीब महिलाएं हैं उसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने, यानी उनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो और हमेशा के लिए हो, बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन जब आप जैसे साथियों के आशीर्वाद होते हैं ना, तो बड़े से बड़े लक्ष्य बहुत आसानी से पूरे भी होते हैं। और आप सब जानते हैं आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसी से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैं जब 2014 में पहली बार आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया तब कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप हुआ करते थे, आज लाखों में है। आज भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है, और यही मेरे देश के युवाओं का पावर है, वही उनकी शक्ति है। और दुनिया भी हिंदुस्तान के नौजवानों की टैलेंट को देखकर अचंभित भी है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना? वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। जब भारत
G20 जैसे सफल आयोजन करता है तब दुनिया एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.